हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिट बाय 01। आज का वीडियो सबसे लास्ट रहेगा होमवर्क और चैलेंज का, क्योंकि कल से हम जिम ज्वाइन करने वाले हैं और कल से हम जिम के वीडियोस बनाएंगे और अपलोड करेंगे। तो चलिए, आज के वर्कआउट में हम करेंगे बाइसेप वर्कआउट और ट्राइसेप, दोनों मिक्स करेंगे। बाइसेप की 3 एक्सरसाइज और ट्राइसेप की 3 एक्सरसाइज करेंगे। पूरा वर्कआउट रूटीन का वीडियो बनाया गया है और देख सकते हैं। अभी का हम 15 डेज का चैलेंज जो लिए थे होम वर्कआउट का, उसमें हम कितना ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं वो देख सकते हैं। मैंने सारे वीडियोस नहीं डाले, बट 8 डेज का वीडियोस डाला है पूरे होम वर्कआउट का। उसी को रिपीट करना है सेकेंड हाफ में, मतलब 7 डेज के वीडियोस को फॉलो करके, फिर 7 डेज के वीडियोस को फॉलो करके 14 डेज कंप्लीट करना है। 15th डे आप ये कंसिडर कर सकते हैं 9th वीडियो को, और आप मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं 15 डेज के चैलेंज में होम वर्कआउट के। और वर्कआउट रूटीन फॉलो करके आप अभी थोड़ा अपने बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विथ ओनली वन इक्विपमेंट के थ्रू, जो कि डंबल है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सेम वीडियोस को फॉलो कीजिए। 8 वीडियोस मैंने वर्कआउट वीडियोस डाले हैं, उसी को फॉलो कीजिए, उसी को सेकेंड टाइम भी फॉलो कीजिए। मीन 7 + 7 डेज 14 डेज हो जाएगा, और ये 8th और 9th वीडियो को फॉलो करके आप 15 डेज का वर्कआउट चैलेंज कंप्लीट कर सकते हैं और अपने वीडियो अपने बॉडी को अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और देख सकते हैं ये ट्राइसेप का वर्कआउट है, ये केबल में कर सकते हैं, बट मैं आपको ये बस मूवमेंट दिखा रहा हूँ विदाउट केबल, लाइक इमेजिनेशन। और इसमें पूरी से पूरा 15 डेज का मेरे बॉडी चेंजेस देख सकते हैं, सिक्स पैक्स में और बाइसेप में और चेस्ट में ग्रोथ देख सकते हैं। मैंने सिर्फ डाइट में क्या लिया है, मतलब डाइट में मैंने सिर्फ अपना घर का खाना ही फॉलो किया है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ लिया नहीं। मैंने बस प्रोटीन लिया है एक एक स्कूप एवरी डे। तो अभी मेरा आप बॉडी कंडीशन भी देख लीजिए, अभी का 15th डे ऑफ होम वर्कआउट चैलेंज का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए। हमने ज़्यादा ग्रो नहीं किया, बस ट्रांसफॉर्म किया, थोड़ा सा लीन किया बॉडी को, और पैक्स को मेंटेन किया, बाइसेप को थोड़ा मेंटेन किया, बस चेंजेस थोड़ा सा किया, ज़्यादा नहीं किया। थैंक यू।